निकल चुका हूँ, सर्दी का मौसम है और सुनहरी धूप निकली हुई है। जस्ट यमुना को क्रॉस कर रहा था मैं, मेरे पीछे है सिग्नेचर ब्रिज और जस्ट वहीं से निकलना है, क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं जीटीवी नगर हडसन लेन की तरफ। और वहीं आज जो है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नगीने छुपे हुए हैं, जैसे कि फतेह की कचौड़ी हो गई है और रावलपिंडी, चाचे दी हट्टी, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं हमको क्या मिलता है इस टाइम वहाँ पर खाने के लिए और क्या मैं आपको दिखाऊंगा, वर्चुअल टूर कराऊंगा। पहुँचते हैं पहले, सबसे पहले हडसन लेन, जीटीवी नगर, नॉर्थ दिल्ली। मज़े लीजिए आप नज़ारों के। दोस्तों हम लोग आ गए इस टाइम पे एक यूनिक जगह पे, शायद इससे पहले आपने ना सुना हो उसके बारे में, तो बस हम वहीं पर जाने वाले हैं। जस्ट मैं वहाँ पर पहुँच के आपको बताता हूँ कि अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ और उसका पूरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। बहुत यूनिक जगह है, काफ़ी पसंद आने वाली आपको। तो जस्ट हम ये पहुँच रहे हैं ऊपर और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आने के लिए। ये जस्ट मेन एंट्री है इस साइड में और ये लगा हुआ है। यहाँ का एम्बियंस अच्छा है, यूनिकनेस अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है। बाकी हम बस पहुँचते हैं यहाँ पे। दोस्तों एक मैं बहुत यूनिक जगह पे आया हुआ हूँ, शायद ही आपने इसके बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं बस बताने वाला हूँ आपको। मैं आया हुआ हूँ इकोज रेस्टोरेंट, ये आपका हडसन लेन में है, जीटीवी नगर, मुखर्जी नगर के पास में है इकोज। और बहुत यूनिक किस लिए है, किस लिए मैं इसको यूनिक बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, जो आपको सर्व करते हैं, आपका फूड सर्व करते हैं, या हाउसकीपिंग में हैं, या एज अ वेटर वर्क कर रहे हैं, वो सारे के सारे बंदे ना एक तो ज़बान से बोल नहीं पाते, कानों से सुन नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर एज अ प्रॉपर मस्त वर्क कर रहे हैं और काफ़ी हसमुख और काफ़ी अच्छे हैं। कैफ़े का जो एम्बियंस है
वो भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, तो बहुत ही अच्छा उनका जो है ना नेचर है। तो जस्ट मैं आ गया हूँ इकोज में, इकोज के अंदर एंट्री कर ली है, बैठ गया हूँ और जस्ट आपको दिखाता हूँ इसका एम्बियंस कैसा है। एम्बियंस के बाद हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे, यहाँ से लोगों से बात करेंगे। और जैसे कि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये बटन्स है, तो ये बटन्स ना आपको हर टेबल पर मिलेंगे, ये बटन्स हर टेबल पर लगेंगे। और जो मेन वहाँ पर किचन है, किचन के पास में जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पर एक रेड लाइट जल जाएगी और ये टेबल, हर टेबल का एक नंबर लिखा हुआ है, इस टेबल पे बंदा तुरंत आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ मांगनी है, किसी चीज़ चाहिए आपको, तो जस्ट आप बुला के उनको ये दिखा सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि फोक, स्पून या नाइफ चाहिए आपको, और उसके बाद जो है ना ये लिखा है कि अगर आपको पानी चाहिए, तो हर चीज़ जो चीज़ आपको टेबल पे सर्व हो सकती है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इनफैक्ट मेन्यू भी मेरे ख्याल से, जैसे मेन्यू अगर आपको मांगना है तो आप यहाँ पर एक कार्ड होगा मेन्यू, हाँ मेन्यू, द मेन्यू प्लीज़, ठीक है, तो ये मेन्यू भी आप यहाँ पर मंगा सकते हो। उसके बाद आपको मेन्यू ला दिया जाएगा। अब जब जस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, जैसे मैं यहाँ पर लाइट मंगा रहा हूँ, लाइट जला दी मैंने, अब कोई ना कोई यहाँ पर आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर मुझे मेन्यू चाहिए, हाँ अब ये कोई ना कोई यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद मैं ये मेन्यू मंगाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं ऑर्डर करता हूँ। तो मेरे ख्याल से कोई आने वाला है, लाइट जल गई होगी वहाँ पे। जैसे मैंने ये लाइट ओपन की थी और यहाँ पर एक हमारे भाई आ चुके हैं, है ना, और भाई मैं इनको बताता हूँ, या मेन्यू बनवा, तो जस्ट मैंने उनको ये दे दिया, उन्होंने इशारा किया कि मैं मेन्यू लेके आ रहा हूँ, जस्ट मेन्यू देखेंगे उसके बाद हम ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर वो हमारा लेके आएंगे। जस्ट बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर आने के बाद, बहुत कमाल का, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे आप क्लिक करेंगे कोई बंदा आ जाएगा, उसको आप ये बताएंगे, यानी आपको यहाँ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लो ये आ गया हमारा मेन्यू, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद जस्ट उस पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा मेन्यू वो ऑर्डर हमारा लेके आ जाएंगे। तो गाइज हमने जो है देख लिया कि हमें क्या मंगाना है, हम मंगा रहे हैं अमेरिकन हाउस में द लिविंग रूम बोर्ड। तो जैसे हम इसे ऑर्डर करने वाले हैं, अब जब मैं दोबारा से लाइट जला देता हूँ, अब कोई ना कोई आ जाएगा, देन हम जो है यहाँ पर उनको ये ऑर्डर देंगे। अब यहाँ से जैसे ही ये लाइट जलाई है, ये क्लिक किया हमने बटन, आ गए, देखिए जस्ट मैं इनको ऑर्डर देता हूँ, तो जस्ट अभी हमारा ऑर्डर आता है, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत ही हंसमुख, बहुत अच्छा लग रहा है, और कुछ भी कहना नहीं पड़ रहा, सिर्फ इशारों में बात चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं अभी क्या आता है हमारे लिए। मेरे साथ इस टाइम इकोस के मैनेजर हैं राजेश जी, सो राजेश जी से थोड़ी सी बात करेंगे हम। राजेश जी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर इकोज में काम करते हुए? सर 6 साल हो गए। 6 साल इस आउटलेट को कितना टाइम हो गया यहाँ पे? इसको सर 7 ईयर्स हो गए। 7 ईयर्स हो गए हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा थोड़ी सा मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट किसका, ऑनर का है या कैसे है? मतलब जो काम करते हैं लड़के थोड़े से वो है ना, तो वो यहाँ पर सर्व करते हैं शुरू से ही, मेरे ख्याल से ये भी इनको भी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए लगभग, अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं, ज़रा सा इशारे में सारी चीज़ें समझ जाते हैं, तो एक अलग ही यूनिक चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ को भी कोई डिफ़िकल्टी आती है इस चीज़ को लेके? नहीं सर, आज से पहले तो कभी नहीं आई ना, कभी आएगी इन फ्यूचर। ओके, इसमें क्या है कि हमने जो पूरा कॉन्सेप्ट बना रखा है, रेस्टोरेंट जो है नहीं क्या डेवलप किया हुआ है। अच्छा अच्छा, आप कहीं पे भी जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्यूटी पैड रखा हुआ है। ओके, अदर कैफे में आप जाते हैं वहाँ कस्टमर वेटर्स का आवाज़ मारते हैं, वेटर्स तो उनको मतलब ऑन पेपर पे। ये जो लाइटिंग वाला सिस्टम है, ये लाइटिंग है, ये क्यू कार्ड है, कस्टमर कोई भी डिमांड्स होती है। अच्छा अच्छा, जैसे मेन्यू को लेकर या फिर आपका थैंक यू लास्ट में हो गया, मैनेजर्स को लेके कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है। ओके ओके ओके, जो यूजली कोई कस्टमर पूछ जी सकता जी है, वो सारी की सारी चीजें इसमें क्लियरली लिखी हुई है, इसके अंदर मेंशन की हुई है। ओके, बाकी कुछ भी कोई डिशेस ऑर्डर करना है तो हमारे मेन्यू के अंदर डिस्कोड है, जैसे आप साइन अच्छा, आपका कोड है, बोर्ड है, हाँ हाँ, तो इसका कोड जो S1 है। ओके ओके ओके, पूरा बोर्ड मेंशन नहीं करना, उसके अंदर पूरा डिस्क का नाम मेंशन नहीं करना। ओके, ओनली आप S1 मेंशन करेंगे, हाँ हाँ, क्वांटिटी या कुछ भी कस्टमाइज कराना है, आपको स्पाइसी चाहिए, राइट राइट, नेम, फोन कॉन्टैक्ट नंबर, पीपल आप कितने लोग हैं,
और ये सब मेंशन करना होता है बहुत इजी रहता है। ओके ओके, मुझे लगता है कभी आई है ना कभी आएगी। अच्छा अच्छा, बाकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये चीज़ को लेकर, और भी आउटलेट्स अपने हैं। अच्छा, इसके अलावा इकोस के अलावा एक रजौरी गार्डन में भी अपना आउटलेट है, सेम ऐसी सिमिलरली कॉन्सेप्ट काम कर रहा है वो भी। ओके, सो थैंक यू राजेश जी आपका टाइम देने के लिए। बाकी हम अपनी ये डिश ट्राई करते हैं। ओके थैंक यू। तो जस्ट अपना जो ऑर्डर है वो आ गया है, अब उसे चेक करते हैं। ये देखिए, ये बड़े से, सबसे पहले बड़े से ये मोमोज जो हैं ये चेक करेंगे, अच्छे खासे गर्म हो रखे हैं। और ये फिलिंग देखो भाई साहब, ये देखो, हाँ ये अल्टीमेट ही फिलिंग है, काफ़ी बड़ा सा है ये मोमोज। चलिए, हमारे पास नाचोज हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं, और ये बड़े से मोमोज हैं, तीन तरीके का सॉस है। तो सबसे पहले हम जो है ना इसमें ये तीनों हल्की हल्की सी हम सॉस ले लेते हैं। वाह, इसका भी एक अलग मज़ा है, अब इसके साथ ले लेते हैं। ये मेयोनीज है, इसका भी अलग ही टेस्ट आ रहा है, बहुत क्रंची सॉफ्ट, अंदर से अच्छी खासी फिलिंग है और बहुत मज़ेदार है। अब इनको ट्राई करते हैं। हमारा चीज़ है, ऑलिव को हम अलग से ले लेंगे। मस्त, और इसको हम जो ना म्यूनिस के साथ लेते हैं थोड़ा सा। अपनी फ्राइज चेक कर लेंगे म्यूनिस के साथ में। मैंने खाई थी एक न्यूयॉर्क फ्राइज करके एक आउटलेट है, उसको फ्राइज खाई थी, सेम वैसी लग रही है। हम नाचोस लेते हैं, ये भी मज़ेदार है, काफ़ी मज़े के लग रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी हैं, अब बारी हमारे स्प्रिंग रोल की। भाई इसके अंदर की फीलिंग दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये देखो फीलिंग, अरे हाय हाय क्या मज़े का इसमें चीज़ भरा हुआ है। और इसको फिर से मेयोनीज़ के साथ एक अच्छी सी बाइट बना के लेंगे। अरे वाह, इन्होंने तो मज़ा ही कर दिया। ये हमारी पूरी एक जो है ना आया है ना, काफी मजे का है। एमएस अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, कैफे बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मज़ेदार लगा। और जीटीवी नगर हडसन लेन में है इकोस के नाम से, ज़रूर आए ट्राई करें और मज़े उठाएं अलग एम्बियंस के, अलग एक्सपीरियंस के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा नाम है सार, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई लोग, बाय।